है बहुत सारा कपड़ा। चलते हैं क्रियान से छुप छुप के। आ गया हमारा चाट और इधर भी आ गया चाट, ये लोगों को देखता है। और इस समय हम लोग जाने वाले हैं जी कटिहार के श्री श्याम बाबा के मंदिर। तो आपको इस ब्लॉग में जो है एक सरप्राइज मिलने वाला है। हमारी सासू माँ और हमारे साले साहब दोनों आए हुए हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल बज रहे हैं जी शाम के 5 और क्रियांश जो है दोपहर में सोया हुआ था और क्रियांश जो है आप सो करके उठ गया और जब उठ करके आया था तो हाथ में जो है एक फुटबॉल लेकर के आया हुआ था। उसके बेड पर ही फुटबॉल था। कह रहा है कि मुझे फुटबॉल खेलना है। हाँ खेलना है, तो चलते हैं छत पर फुटबॉल लेकर के और खेलते हैं ऊपर। पूछी दे रहे पापा को, पूछी दे दो, इसका अपना मन होता है तब देता है, कैमरे में तो बिल्कुल नहीं देता। अभी भी नहीं पूरी नहीं हुई। हे हे, चलो आ गए हम लोग छत पे क्रियांश के साथ खेलने के लिए। और यहाँ पे क्रियांश के साथ कोई बच्चा है नहीं खेलने के लिए, तो एक बच्चा है हमारे घर में, वो है ये। बस हमी को बच्चा बनना है, हमी को सब कुछ बनना है। हाँ तो क्या, तो यहाँ पे क्रियांश खेलेगा डेली पापा के साथ 1 घंटा फुटबॉल। चलो आ जाओ, तुम्हारे फुटबॉल कहाँ गया क्रियांश? पापा पापा के लिए रोज रखा है, देखो कितना प्यार करता है आपको, फ्लावर रखा हुआ है। क्रियान दे दो मम्मा को, मम्मा को दे दो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। रखा है पापा, पापा कर रहा है पापा के देने के लिए। ये वाह, नया स्टाइल है खेलने का। पकड़ 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 पकड़। वाह 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 वाह, मजा आ रहा है। वाह 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 वाह, चलो चलो चलते हैं। मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? आ रहा है मजा? मजा आ रहा है? सेठ जी ये देखो, ये देखो हीरो वाला। ये कौन सा पोज है भाई, कौन सा पोज है ये? ये एक्शन दिखा रहा है अपना। अच्छा, मौत का कुआं में जो दिखाता है एक्शन, वही वाला, वही वाला को। को देख सकते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। इसको एक आदमी चाहिए जो हमेशा देखे। हिंदी लेगा, दे दे दीजिए या दे। चलिए नीचे लेके, इसका खाना खाने का टाइम हो गया। अभी देख रहे हैं घड़ी में बज रहा है 8:30, तो इसका खाना खाने का समय हो गया। चलिए सो के उठ के आ गया। ये बुगा क्रियांश उठ के आ गया खुद से। गुड मॉर्निंग राधे राधे। नेल पेंट ले लिया है सुबह सुबह। हाँसी हो रहा है लल्ला, जा रहा पापा को ढूंढने के लिए। पापा नहीं है उधर, आ जाइए आ जाइए। थोड़ी देर पहले हम लोग सो के उठे और देखा कि कोई नहीं है, उठ के आ गया। आजा जल्दी से, आजा आजा, दे दो मम्मा को, दे दो दे दो मम्मा को, दे दो। तो फिलहाल बज रहे हैं जी शाम के 5:30 और इस समय हम लोग जाने वाले हैं जी कटिहार के श्री श्याम बाबा के मंदिर। यहाँ हम लोगों को मालूम चला कि हम लोग जो है पूर्णिया जो जाया करते थे खाटू श्याम बाबा के मंदिर, तो वहाँ जो है मंदिर कटिहार में भी है। तो उनके मंदिर जो है हम लोग को पता चला था कल, तो आज हम लोग जा रहे हैं सारे परिवार। और आज रविवार का दिन भी है तो सभी लोगों को छुट्टी भी है, तो चलते हैं। फिलहाल क्रियांश भी जो है तैयार हो गया है, अपना जैकेट सब पहन लिया है और फिलहाल इसको मिल गया है अपना गेंद, अपना गेंद से खेल रहा है। इसका चेन लग गया, चेन लगा दो। तो आपको इस ब्लॉग में जो है एक सरप्राइज मिलने वाला है। क्या है सरप्राइज? नहीं पता तुमको अभी, इसको भी नहीं मालूम क्या सरप्राइज देना है, क्योंकि हम लोग 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाले हैं, लोगों को पता भी नहीं होगा। अच्छा, उस चीज के बारे में है ना। जी हाँ, हमारी सासू माँ और हमारे साले साहब दोनों आए हुए हैं, तो इन सभी को भी लेकर के चलते हैं मंदिर। कुछ जलाया क्या, तुम जलाइए इसको। अच्छा, क्रियांश जो है बार बार उस लाइट को जलाता, अभी बुझा हुआ है, देख लिया ना ये, आइए देखो। 20 minutes later तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर और यहाँ पे है श्याम बाबा का मंदिर। और हमारे कटिहार में होते हुए भी हम लोगों को पता नहीं था, फर्स्ट टाइम आए। तो सभी लोग जी घर से बाहर निकल गए हैं और हम लोग सीधा पहुँच गए हैं श्री श्याम बाबा के मंदिर। तो चलते हैं, सभी लोग आ गए हैं और चलते हैं और देख रहे हैं कि शायद आरती सब भी शुरू है, तो आरती में हम लोग भाग लेते हैं। A few moments
खटोसिया मंदिर में जो है वहाँ पर दर्शन करके सभी लोग पूजा पाठ करके और हम लोग आ गए हैं अब थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए। तो हम लोग आए हुए हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलता है, मुढ़ी, घुघनी, कचरी, जो जितना तरह का पकौड़ी सब होता है वहाँ सब कुछ उसमें मिलता है। तो मम्मी को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, तो सोचे कि चलिए सभी को लेकर के आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। प्रियांश भी खाएगा क्या झालमुड़ी? हाँ चलो खिला देना आज इसको। नेक्स्ट डे तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 11:30 और कुछ घंटे पहले ही जो है जिया की मम्मी हो गई है विदा। जिया का जो भाई था वह भी चला गया है साथ में, उसको रोकने की कोशिश की गई लेकिन उसको यहाँ पर मन नहीं लगता है। और फिलहाल जो है कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, अकेले रहता है तो उसको मन नहीं लगता है, यहाँ साथ साथ लगता है। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है क्रियांश यहाँ पर अपना मजा कर रहा है, खूब बदमाशी कर रहा है, खेल रहा है और हाथ में है चॉकलेट। ग्रुप में जाना सब चाहता है, आया हुआ है ना। चलिए चॉकलेट, ये चॉकलेट, चॉकलेट नहीं है मिक्स वाला है तो इसलिए उसको निकाल रहा है, फेंक रहा है। फेंक दिया, हो गया अब यार, अब देखेगा, अब निश्चिंत हो जाएगा। हो गया, अब कहाँ से मिलेगा तुमको? क्या देख रहा है, क्या देख रहा है क्रियांश? वो गिरा दिया। The next day. कभी कभी ना क्रियांश सच में हमको बहुत परेशान करता है। तुम ये क्या किया है? हाँ इसको तोड़ दो, तुम उसको उठा के रखिए। ये क्या किया? बेसिन वहां पे जूठा बर्तन रखा होता, बेसिन में सारा बर्तन उठा उठा के सारा बेसिन में डाल दिया कल। क्यों करता है क्रियांश ऐसा? तुमको नहीं करना चाहिए ना, ऐसे बाकी करते क्या रखो? सारा खिलौना यहाँ पे डाल दिया, देख लो तो उसमें चढ़ के ऊपर जाएगा। गिर जाएगा बेटा, छोड़ देता है। और मुझे जाना है टेलर के पास, इनको इतना बोलो तब ये कहते हैं कि हाँ ले जाएंगे। एक ये सूट है जिसको हमको फिटिंग कराना है, एक ये सूट है जिसको फिटिंग कराना है, और एक ये होली की कुर्ती आई हुई है उसको फिटिंग कराना है, और एक ये सूट है, और एक ये साड़ी है इसका रेडीमेड ब्लाउज है, दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत साड़ी है, ये देख सकते हो। बाबा रे बाबा, ये तो मम्मी को आएगा ब्लाउज, ऐसा ब्लाउज है। ये देखिए ये ब्लाउज मम्मी को आएगा। हम सोच रहे हैं ना इस पे जो है कोई और ब्लाउज पहन के ये साड़ी मम्मी को ही दे देंगे। देखिए कितना मोटा हुआ है, बहुत सुंदर है। 20 मिनट्स लेटर। तुमको कोई प्यार नहीं करता ना मम्मा? भी तुमको कोई प्यार नहीं करता ना, बताओ जल्दी। तुम प्यार के लायक हो भी नहीं, सच में नहीं लायक हो। और आप चलिएगा कि नहीं टेलर के पास? चल रहा है, चल रहा। जल्दी चलिए, लेट हो जाएगा, 7 बज गया। तुम गिर जाना फिर से लल्ला। चलो चलो हो गया, चल रहा। इतना कपड़ा जमा हो गया है, देख रहे हैं, फिर जल्दी देगा नहीं हमको। बहुत समस्या है लेकिन मेरे साथ समस्या नहीं है, मेरे काम के साथ बहुत समस्या है। अरे तुम्हारा कपड़ा इतना रहता है, हम परेशान हो जाते हैं। इतना कपड़ा नहीं रहना चाहिए, तुमको दौड़ना पड़ता है बार बार। बढ़िया है, खुद से चले जाओ। तुम खुद से कैसे चले जाएंगे? खुद से गाड़ी चला के। हम बोले हैं उनको कि आप होम डिलीवरी रखिए, हमारे पति जल्दी लेके आते नहीं है। अच्छा है, जल्दी वो सुविधा चालू हो जाए। बहुत सारा कपड़ा चलते हैं क्रियांश छुप छुप के। हमारी बाइक जो रह रहे के बीमार पड़ जाती है आधे रास्ते में। कितना साल हो गया भाई का? 10 साल से ऊपर हो गया होगा। हाँ इसीलिए बुरी हो गई है बेचारी। 20 मिनट्स लेटर। तो फिलहाल आए हुए हैं जी मार्केट, और मार्केट में जिया जी अपना कुछ कपड़ा सब दे रही है सिलने के लिए, और यहाँ पर जो है रेगुलर आना जाना लगा रहता है। मेरा कपड़ा डेली सिलाई होता है। हाँ तो यहाँ की रेगुलर कस्टमर है ये। तो हमने अपना कपड़ा दे दिया, और इसके बाद इनको जब भी ये मार्केट आते हैं इनको कुछ ना कुछ बाहर का खाना होता है। मैं मना कर रही हूँ, नहीं आपको बहाना चाहिए, मैं मना करती रहती हूँ फिर भी ये खाते हैं। अभी भी मैंने बहुत बोला कि नहीं खाना है, फिर भी आ गया हमारा चाट, और इधर भी आ गया चाट, ये लोग मुँह देखता है। आपका छीन कर ना खा लेंगे हैं? क्या इरादा है तुम्हारा? डबल खाने का, डबल खाने का। वैसे भी आपसे पूरा सदने वाला ध्यान हमको जैसा लग रहा है, खा लीजिए। अच्छा नहीं लगता है, पानी पूरी में पेट भरता है। पानी पूरी खाते थे ना, वो आता है खाते हैं।
खाओ तुम पहले, फोकस करो।